सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत पंचायतों के वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो गया है। हमीरपुर से 7 सदस्यों की टीम ने पंचायतों में पहुंचकर वेरिफिकेशन किया और इन पंचायतों में शौचालय से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों तक का निरीक्षण भी किया। ये टीम अपनी रिपोर्ट DRDA को सौंपेगी, जहां से पता चल सकेगा कि कौन सी पंचायतों में अभी स्वच्छता की कमी है या शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। उसके बाद उन पंचायतों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। 7 सदस्यीय टीम में लीडर मनोरमा देवी के अलावा ICDS जोगिंदर कुमार, IPH के देवराज सहित हमीरपुर से अश्विनी बालिया भी शामिल हैं। 4 दिनों तक इस विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों का दौरा ये टीम करेगी और निरीक्षण करेगी। इसी के तहत टीम ने पनोह व पहल पंचायत का दौरा किया। इस दौरान यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा घरों और दूसरे स्थानों का निरीक्षण किया गया। मनोरमा देवी ने बताया कि पंचायतों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सभी पंचायतों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत पंचायतों का वेरिफिकेशन कार्य शुरू किया गया है। मैं मनोरमा देवी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमीरपुर से स्वच्छ भारत मिशन से। हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई है यहाँ पे ODF वेरिफिकेशन के लिए। तो ये हमारी टीम है, हर डिपार्टमेंट से हमने एक एक मेंबर लिया हुआ है। कुछ पंचायतों जाना है हमने कि ODF का मतलब खुला शौच मुक्त पंचायतें हैं या नहीं है, क्या आज भी लोग खुले में शौच जाते हैं या नहीं जाते हैं। अभी हमने 3-4 पंचायतें पनोस, पाड़, लंबरी, पटलांदर पंचायतें कर ली। वहाँ पे हम गांव में घर घर में गए, डोर टू डोर सर्वे भी किया हमने, फॉर्म भरे, उनको पूछा कि क्या आप खुले में शौच जाते हैं या नहीं जाते हैं। हमारी टीम भी वहाँ पे जा रही थी, स्कूलों में भी हमने सर्वे किया, आंगनवाड़ी में किया। मैडम थे हमारे साथ, हेल्थ से भी थे, IPS थे, उन्होंने पानी की भी चेकिंग की, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी चेक किया, स्कूल टीचर भी हैं वो भी जा रहे थे। तो आज अभी तक जो हमने पंचायतें की वहाँ पे हमें बिल्कुल ठीक ठाक पाया गया कि कोई भी लोग जो है वो बाहर पे नहीं जाते हैं। इन पंचायतों में सबसे अच्छा था कि प्रवासी लोग नहीं हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है प्रवासी होते हैं कि वो बाहर में चले जाते हैं, तो वहाँ पे नहीं है। बाकी हमने रिपोर्ट बना दी है, अभी 3-4 पंचायतों की रिपोर्ट और बनाने के लिए हमें 8 पंचायतें दी गई है, तो अभी हमने 4 पंचायतें कर दी हैं, 3 पंचायतें और बच जाती हैं। बाकी जो भी रिपोर्ट होगी वो हम DRDA में सबमिट करवा देंगे।